हाई इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे फ्यूज़ प्लास्मेटिक डिफ्रैक्टेड सोसाइटी तो पिछले वीडियो में हमने एग्रेरिया और इंडस्ट्रिया मॉडल के बारे में पढ़ा था अभी ये नया मॉडल रिग द्वारा लाया गया है तो ये नया मॉडल लाने का क्या उद्देश्य है जो पुराना मॉडल था एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल वो डेवलपिंग नेशन के जो ट्रांजिशन फेज है जो एग्रेरिया से जो इंडस्ट्रिया में जा रहे हैं तो वो फेज़ को वो नेशन मतलब वो बता नहीं रहा था क्लियरली वो इंड मतलब उसके बा, उसके बारे में बता नहीं रहा था ट्रांजिशन फ़ेज़ के बारे में बात नहीं करता था वो जो एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल है वो ट्रांजिशन फेज़ के बारे में बताता नहीं था जिससे कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम समझने में दिक्कत हो रही थी ऑफ द डेवलपिंग नेशन तो हम फिर कंपेयर किस तरह से कर पाएंगे सो इसीलिए ये नया मॉडल लेके आए फ्यूज़ प्लेसमेटिक डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज़ मॉडल ओके तो देखिए Rig has classified सोसाइटी अंडर हिस रिवाइज टेक्नोलॉजी ऑन the बेसिस ऑफ the लेवल ऑफ differentiation, that is specialization, एंड लेवल ऑफ इंटीग्रेशन that is कोऑर्डिनेशन तो इन्होंने ये जो नया जो मॉडल लेके आए ये मेनली स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन इसके बेस पे ओके okay, स्पेशलाइजेशन मतलब उसके वो बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे एंड कोऑर्डिनेशन के बेस पे हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे लोगों को जोड़ पाएंगे बिकॉज ऑफ़ द कोऑर्डिनेशन एंड स्पेशलाइजेशन के बेस पे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे ओके मेनली दिस इज़ द बेसिस लेवल ओके फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द सोसाइटीज ऑन दिस मॉडल दैट इज़ फ्यूज क्लासमेटिक डिफ्रेंशिएट सोसाइटी ये जो मॉडल लेके आए मेनली इसी के बेस पे है डिफरेंशियशन दैट इज ऑन दिसलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन दैट इज कॉर्डिनेशन सो रिग डज नॉट यूज़ द टर्म डेवलपिंग और डेवलप नेशन ओके और सोसाइटीज इन द फ्यूज प्लेसमेटिक डिफ्रैक्टिव टोपोलॉजी टेपोलॉजी ओके तो इस मॉडल के ऊपर मतलब ये जो मॉडल ले आए इसमें इन्होंने डेवलपिंग या डेवलप नेशन या सोसाइटी इस टाइप से वर्ड यूज नहीं किया है व्यू दैट द टर्म डेवलप और डेवलपिंग ये किस लिए यूज आता है टू जनरल ये बहुत जनरल सेंस में यूज किया जाता है सो डू नॉट रिफ्लेक्ट दिज नोशन ऑफ क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन रिलेशनशिप ओके तो ये इन्होंने जो मॉडल लेके आए इसको भी हम वन बाय वन देखते हैं फ्यूज सोसाइटी क्या होती है उसके बाद डिफ्रैक्टेड सोसाइटी क्या होती है देन प्लास्मेटिक ओके प्लास्मेटिक सोसाइटी क्या होती है इसको हम देखेंगे वन बाय वन देखिए फ्यूज सोसाइटी के फ़ीचर्स कौन से कौन से फीचर्स है सबसे पहला ये ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है एंड दिस इज़ अ ओल्ड स्ट्रक्चर है इसके अंदर ओल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है बिकॉज दिस इज़ अ ट्रेडिशनल सोसाइटी मोस्ट स्ट्रक्चर आर मल्टी फंक्शनल मल्टी फंक्शनल में बताया एक व्यक्ति एक स्ट्रक्चर मतलब कोई भी व्यक्ति अलग अलग काम करता है ओके बहुत सारे काम करता हैल्टी फंक्शनल ओके बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वन स्ट्रक्चर परफॉर्मर लार्ज नंबर ऑफ फंक्शन ये किस में होता है ये फ्यूज सोसाइटी में होता है स्टेटस एंड प्रिवलेज इन द सोसाइटी आर डिटरमाइंड बाई द बर्थ ओके और ट्रेडिशनल स्टेटस ओके then certain specific groups in the society gain preferent treatment prefer treatment okay and status in the society kuch society ko jaise maan lijiye so called upper and so called lower okay to तो jo upper group hota hai wo mainly unko zyada preference diya jata hai इस type की सोसाइटी में okay? और जो lower सोसाइटी जो lower group के अंदर आता है lower class के अंदर आता है okay? उनको सही से treatment नहीं किया जाता है so, ये सब कहाँ पाया जाता है ये पाया जाता है फ्यूज सोसाइटी के अंदर सो देयर इज़ अ वेरी लो मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द स्टेटस एंड ऑकुपेशन जो हमने पढ़ा था एग्रेन टाइप में मेनली ये एग्रेन टाइप के फीचर्स है ओके दिस द सोशल स्ट्रक्चर एंड ऑक्युपेशन रिजिट होता है बहुत कठोर होता है दे आर बेस्ड ऑन द बर्थ एंड टाइम ऑनर कन्वेंशंस तो इस तरह से तो ये किसके फ्यूज सोसाइटी के फीचर्स है नाउ डिफ्रैक्टेड सोसाइटी डिफ्रैक्ट सोसाइटी हैज द फॉलोइंग फीचर्स दैट इज वेरी हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन जैसे हमने इंडस्ट्रियल टाइप में पढ़ा था इंडस्ट्रिया सोसाइटी के अंदर एंड दिस इज द जस्ट लाइक द एग्रीरिया सोसाइटी सो देयर इज अ हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज कोऑर्डिनेशन इन दिस सोसाइटी दस देयर इज हार्डली एनी गैप एग्जिट बिटवीन एनी लेवल ऑफ द स्पेशलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ओके बहुत कम गैप होता है बिकॉज दे आर कम इन टू दन ग्रुप ओके एक सोसाइटी के अंदर रहे और एक एक किसी इंडस्ट्री में काम करें तो हर टाइप के लोग वहाँ रहेंगे सो एटोमेटिकली देयर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दैट दैट इंडस्ट्री तो ऐटोमेटिकली ओके वो एक साथ हो जाते हैं और वो जो भी काम करते हैं वो कोई भी काम मतलब जो भी काम करते हैं वो मैक्सिमम जो काम होते हैं उनके वो स्पेशलाइज होते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर का काम कर रहा है तो ही हैव द स्पेशलाइजेशन इन दिस फील्ड ओके सो देयर इज अ बिकॉज स्पेशलाइजेशन क्यों हो रहा है मेनली बिकॉज ऑफ द एजुकेशन तो जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी है वहाँ पे एजुकेशन है एंड दे टेक एजुकेशन इन देयर स्पेसिफिक इंटरेस्ट ओके एंड वो फिर उसी इसमें काम करती है इसलिए स्पेशलाइजेशन है इंटीग्रेशन है देन देयर इज़ अक् इक्विटी अमॉन्ग सोशल ग्रुप विथ नो ग्रुप एन्जॉय स्पेशल प्रेफरेंस और प्रिवलेज ठीक है तो सोशल ग्रुप के बीच में उनके इक्वलिटी है मेनली कोई प्रिविलेज नहीं है किसी स्पेशल ग्रुप को ओके एंड दिस ऑल द फीचर्स ऑफ द डिफ्रैक्टेड सोसाइटी ना फोर्थ फीचर इज दी देर इज कंसिडरेबल मोबिलिटी इन द स्टेटस एंड ऑक्युपेशन कंटिन्यूस मोबिलिटी होती रहती है ओके okay? जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी होता है वहाँ पे अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो क्या करेगा तो कम मतलब उसका स्टेटस छोटा रहेगा तो फिर वो पढ़ाई करेगा अपना स्टेटस बढ़ाएगा स्किल बढ़ाएगा इस तरह से अपना वो स्टेटस बढ़ाता है ओके बिकॉज देर इज अ कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन होता है मेनली डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में ओके तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है मोबिलिटी होता है स्टेटस में ऑक्यूपेशन में पीपल कैन मूव फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अदर प्रोग्रेस इन द दोशल इकोनॉमिक सिस्टम बेस ऑन द मेरिट एंड परफॉर्मेंस के बेस पे क्या होता है सोशल इकोनॉमिक सिस्टम प्रोग्रेस होती है इनकी ठीक है तो ये सभी हो गए डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के फीचर्स द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फंक्शन इन डिफ्रैक्ट सोसाइटी इज कॉल्ड द ब्यूरो ओके तो इस सिस्ट ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब इस इस सोसाइटी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको क्या कहा जाता है ब्यूरो कहा जाता है ओके विच इज सिमिलर टू दी ओके दो ऑफ द डिफ्रैक्टेड सोसाइटी नाउ प्रिसमेटिक सोसाइटी अभी हमने दो सोसाइटी की बात की फ्यूज सोसाइटी एंड डिफ्रैक्टेड सोसाइटी अब ये जो है प्रिस्मेटिक सोसाइटी ये दोनों के बीच का है अब मेनली ये जो मॉडल पढ़ रहे वो किस लिए पढ़ रहे बिकॉज जो पुराना मॉडल था ट्रेडिशनल मॉडल उसमें बीच जो ट्रांजिशन फेज था उसकी बात नहीं हो रही थी तो अभी इस मॉडल में ट्रांजिशन फेज़ की बात हो रही है क्योंकि डेवलपिंग नेशन में मेनली ट्रांजिशन हो रहा है लोग मूव हो रहे हैं ओके एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री या लो लेवल से मतलब उनका जो ये जो दोनों फ़ीचर्स है इस फीचर से लोग इस फीचर्स में आ रहे हैं मेनली ये सोच जो है ये जो चीज़ है इससे ये इस सोच में आ रहे हैं ओके okay? ये क्या है जो बीच में जो टाइम है ये क्या है दिस इज ट्रांजिशन फेज़ तो मेनली यही इस प्रिस्मैटिक सोसाइटी के अंदर यही ट्रांजिशन फेज है मतलब जो ट्रांजिशन फेज है उसी को प्रिस्मैटिक सोसाइटी कहा गया है तो उसके ये फीचर्स है क्या है जैसे सिलेक्टिविज्म दिस इज अ इंटरमीडिएट कैटेगरी बिटवीन यूनिवर्सलाइज एंड पर्टिकुलराइजेशन अंडर द प्रिसमेटिक सोसाइटी सर्टन ग्रुप दो लार्ज इन नंबर दे अ फ्यू सोसाइटी गेन प्रेसिडेंस ओके ओवर द लेस प्रिवलेज ग्रुप ओके okay, तो यह सिलेक्टिवनेस आता है ठीक है यह लोग किसके फीचर्स पढ़ रहे हैं प्रिस्मेटिक सोसाइटी के फीचर्स पढ़ रहे हैं एंड अटेनमेंट दिस इज द इंटरमीडिएट कैटेगरी बिटवीन एस्क्रिप्शन एंड अचीवमेंट इम्प्लाइंग दैट प्रिस्मेटिक सोसाइटी मेरिट एज वेल एज ट्रेडिशनल प्लस तो इसमें दोनों चीजें आ गई ओके okay, पहला तो मेरिट बेस पे भी होता है इसमें और ट्रांजिशनल दोनों स्टेटस होते हैं इसमें बेस ऑन द बर्थ कास्ट डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ द पर्सन टू द Higher level, okay. Then third is the polyfunctionalism. This is the intermediate category between the functional speci specification and the functional diffuseness. It implies that prismatic society level of specialization is much larger than that found in the fused society, but less than that of the prill in the diffracted society. Okay. So, the specialization is. जो फ्यूज सोसाइटी से थोड़ा बड़ा होता है मतलब जो भी काम करेंगे स्पेशलाइज रहेंगे बट दिस इज लेस दैन द डिफ्रैक्टेड सोसाइटी बिकॉज दिस इज द ट्रांजिशन फेज हम मेनली ये क्या है ये ट्रांजिशन फेज है तो उसके जो फीचर्स है वो भी ट्रांजिशन फेज टाइप ही रहेंगे द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द प्रिस्मेटिक सिस्टम ओके इसको और साला तो ये जो प्रिस्मेटिक सिस्टम है इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ओके okay, उसको क्या बोला गया साला बोला गया है मीनिंग रूम और ऑफिस इन स्पेनिश लैंग्वेज तो ये जो वर्ड है साला ओके okay, ये वर्ड एक्चुअली स्पेनिश स्पेनिश लैंग्वेज से लिया गया है इसका मतलब क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन सेंस ऑफ सिस्टम, सिस्टमैटिक जो सोसाइटी है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको क्या बोला गया साला बोला गया और ये साला वर्ड स्पेनिश लैंग्वेज का है साला शेयर फीचर ऑफ प्रिसमेटिक सोसाइटी ओके सो इट मे बी मैंशन दैट इन द एग्री इंडस्र टाइपोलॉजी देर इज अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द एग्रेरिया एज वेल एज द इंडस्ट्रिया सोसाइटी बिकॉज ये बहुत पर्टिकुलर बात कर रहा था ये जो एग्रेरिया और इंडस्ट्रिया जो मॉडल है ये बहुत स्पेसिफिक बात कर रहा था सेपरेट कर रहा था दोनों को अलग अलग टाइप से बट ओनली द मार्जिनल रेफरेंस वॉज गिवन टू द ट्रांजिशिया बहुत कम इंपॉर्टेंट दे रहा है ट्रांजिशिया फेज को ठीक है और मेनली डेवलपिंग नेशन में ट्रांजिशिया फेज ही चल रहा है इन द लेटर in the later typology, a fused prismatic diffracted society emphasizes on the reverse. in this topology, the focus is on the prismatic society, ke focus ye model, konsa a, fused and diffracted society model, while the analysis of the fused and diffracted societies in brief. likewise, there is a inadequate descriptions of the colts of the fused society and bureau diffracted society. Okay. तो देखिए हमने यहाँ पे तीन वर्ड यूज किए पहला है कोर्ट सेकंड इज द ब्यूरो एंड थर्ड इज द साला ओके तीन वर्ड यूज किया है द फर्स्ट वन कोर्ट इज यूज फॉर द फ्यू सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड ब्यूरो इज द वर्ड यूज फॉर द डिफ्रैक्टेड सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और जो साला है ये यूज किया जाता है फॉर द प्रिस्मेटिक सिस्टम प्रिस्मेटिक सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ओके सो ऑन दी अदर हैंड दी सलाइज प्रिस्मैटिक सोसाइटी हैज बिन एडिकुटली डिस्कस इट मे बी मैं वंस अगेन इवन दो प्रिस्मैटिक सोसाइटी हैज़ नॉट बिन टर्म डेवलपिंग सोसाइटी इट इज एजूम थ्रू आउट दिगिजन एनालिसिस दैट इज मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज शेयर द फीचर्स ऑफ द प्रिस्मैटिक सोसाइटी तो इन्होंने ये कहा कि मैग्जिम जो डेवलपिंग कंट्रीज जो है ठीक है ये किस ये इसके अंदर किसके फीचर्स है इस प्रिसमेटिक सोसाइटी के फीचर्स है ओके मतलब जो प्रिसमेटिक सोसाइटी की जो फीचर्स है ये मेनली किस में पाए जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पाए जाते हैं okay? ओके तो ये हमने ये मॉडल जाना मेनली फ्यूज डिफ्रैक्टेड प्रिस्मेटिक सोसाइटी मॉडल ओके एंड थ्रू दिस मॉडल वी कैन स्टडी द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज अल्टीमेटली वी विल स्टडी द कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये जो मेनली जो सारी बातें हो रही है ये किस लिए हो रही है ये सभी मॉडल किस लिए यूज़ किए जाएंगे दिस ऑल मॉडल आर यूज फॉर दी स्टडी ऑफ दी कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनि टू स्टडी दी कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे प्रिसमेटिक साला मॉडल ओके प्रिसमेटिक साला मॉडल जो प्रिसमेटिक सोसाइटी है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है साल बोला जाता है जिसको उसको हम मेनली कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सो so, That's all for this video. Thank you. Bye-bye.